वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार व्लॉग्स। तो आज है ना, आप छुट्टी के दिन का व्लॉग देख रहे हैं, मतलब बच्चों की तो छुट्टियां चल ही रही हैं, समर वेकेशंस। यहाँ पे जो है ना, हस्बैंड की भी आज छुट्टी है। और मैं जब सुबह उठी ना, तो हस्बैंड बेड पर से गायब थे, तो मैं नीचे आके देखी तो यहाँ पे बन रहा था नाश्ता। और ये देखिए, जायंट साइज़ की गुजिया बनाए हैं हस्बैंड, आटा वगैरह भी ना खुद ही गूंद लिए थे। और आज मेरी आँख नहीं खुली तो उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं, और अपने से जो है ना ये बनाने लगे नाश्ता। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि चलो आज उठते ही जो है आँख मलते हुए किचन में नहीं जाना पड़ा। तो ये गुजिया का जो बैटर है ना कीमे का, वो मैं कल ही बना के रख देती हूँ एक दिन पहले रात में, तो सुबह में बस आटा गूंद के फटाफट उसको जो है स्टीम करना होता है। कैसा है वो? तो बड़ा क्यों है? बनाया? इट्स अब्बा साइज, अब्बा स्पेशल। तुम्हारे साइज का मोमो है। और यहाँ पे जईम जो है वो स्पिनी से कड़क पाव लेके आ गया था, तो बाकी लोग अपना गुजिया एंजॉय करेंगे और मैं एंजॉय करूँगी अपना कड़क पाव। देखिए कितना क्रिस्पी, एकदम फ्रेश है। आवाज़ खाली सुनिए। तो जी, यहाँ पे हो गया है हमारा नाश्ता कंप्लीट। और नाश्ते के बाद आप किचन की हालत देखिए। एक्चुअली आज ये इतना मैस इसलिए लग रहा है क्योंकि ना कल रात से मैंने बर्तन नहीं धोई हूँ, सब जमा करके रखी थी, क्योंकि बहुत महीनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी डिश वॉशर पर वीडियो बनाने के लिए, तो सोचा कि आज बना ही देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डिश वॉशर में पानी ज़्यादा लगता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, तो उस पर भी हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी, हैंड वॉश या डिश वॉशर। तो सबसे पहले मैं आपको डिशवॉशर के पार्ट्स दिखा देती हूँ। इस डिशवॉशर में दो रैक्स हैं, एक लोअर रैक और दूसरा अपर रैक। साथ ही इसमें एक कटलरी रैक भी दिया हुआ है, जिसमें हम छोटे मोटे चम्मच वगैरह, चाकू, ये सब रख सकते हैं। अब है ना, नीचे वाली रैक मैं निकाल के आपको इसके अंदर का दिखाऊंगी कि ये कैसे चलता है और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ये सॉल्ट कंटेनर देखते हैं। ये जो ढक्कन है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है देखिए सॉल्ट, और इसमें जो है ना हमें सॉल्ट फिल करना होता है, लेकिन नॉर्मल सॉल्ट नहीं, डिश वॉशर का एक अलग सॉल्ट आता है और एक रिंसिड। तो मैं इस कंपनी का यूज़ करती हूँ फिनिश, इसका रिज़ल्ट मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जब हम डिश वॉशर ऑन करेंगे ना, तो उसके कंट्रोल पैनल पर आपको दो लाइट्स दिखेंगी। ये जो ऊपर वाली लाइट है जिस पे S लिखा हुआ है, ये सॉल्ट इंडिकेट करता है, और इसके नीचे वाली लाइट जो है ना, ये इंडिकेट करता है रिंसिड। मेन बटन ऑन करने पर अगर आपको सॉल्ट या रिंसिड का इंडिकेटर की लाइट जली हुई दिखेगी, इसका मतलब आपको सॉल्ट और रिंसिड रिफ़िल करना है। सॉल्ट महीने में एक ही बार रिफ़िल करना होता है, और सॉल्ट जो है ना वो आपके पानी की हार्डनेस को एडजस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक डिस्पेंसर है सोप के लिए और एक रिंसिड के लिए। रिंसिड बर्तनों को सूखने में हेल्प करता है, और बर्तन एकदम शाइनी और स्पॉटलेस होते हैं, मतलब बिना किसी दाग धब्बे के। इसके अलावा है ना, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर में मैं ये ऑल इन वन फिनिश ब्रांड का टैब्स यूज़ करती हूँ, और ये टैबलेट फॉर्म में है। इसके अलावा आपको पाउडर फॉर्म में भी जो है ना वो सोप मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर एक आउटलेट दिया हुआ है जो कि है स्प्रिंकलर, इसमें से निकलता है पानी फोर्स में। इसके अलावा ये जो दो आप आर्म्स देख रहे हैं ना, ये वॉशिंग आर्म्स हैं, और जब बर्तन लोड कर लेंगे तो आपको ये इस तरह से घुमा के ज़रूर चेक करना है कि कहीं ये आर्म्स अटक तो नहीं रहा है बर्तन में। इसके अलावा यहाँ पे एक फ़िल्टर दिया हुआ है, जिसमें जो है ना, अगर हम लेफ़्ट ओवर खाना भूल गए अगर खाली करना, तो इसमें जाके ना जमा हो जाता है, तो इसको निकाल के हम टाइम टू टाइम क्लीन कर लेते हैं, और इसको क्लीन करने से जो है ना स्मेल भी नहीं आएगी डिश वॉशर में। इसके कंट्रोल पैनल पे जो पहली वाली बटन है वो है प्री रिंस की। प्री रिंस में कोल्ड वाटर यूज़ होता है। इसके बाद 40 डिग्री टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए जो है वॉश करने का ऑप्शन है, फिर 50 डिग्री टेम्परेचर पे मीडियम सॉइल बर्तन वॉश करने के लिए, और 70 डिग्री टेम्परेचर पे हैवीली सॉइल बर्तन वॉश करने का ऑप्शन है। तो सारे फीचर्स हम लोगों ने देख लिया है, अब हम डिश वॉशर को लोड करते हैं। तो डिश वॉशर में लोड करने के लिए सारे बर्तन को पहले से धोने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्री रिंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर बर्तन में कुछ लेफ़्ट ओवर फूड हैं
तो उसे हमें अच्छी तरह से जो है ना पहले निकाल देना है, वरना ये सारी चीज़ें जाके जो है नीचे अटक जाएंगी और इससे फिर ना मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है। डिश वॉशर में बर्तन डालने की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ हाई ग्रेड प्लास्टिक्स ही हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो लो ग्रेड प्लास्टिक होती है वो मेल्ट हो जाएगी। कांच के सारे ही बर्तन हम इसके अंदर डाल सकते हैं, नॉनस्टिक के बर्तन इसमें नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तवे का काम जो है वो ऑलमोस्ट तमाम है इसलिए मैंने उसको डाल दी हूँ। और ये देखिए ये राइस कुकर का ढक्कन कितना गंदा है, पूरा एकदम चिपका हुआ राइस का पानी है साइड में, तो मैं इसको डाल देती हूँ, बाद में इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। और ये है स्टील, स्टील भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चों के पानी पीने के ग्लासेस हैं ना वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से सैनिटाइज होकर निकलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें हमेशा फुल्ली डिशवॉशर लोड करके चलाना है, तब इसका कॉस्ट जो है ना वो कम आएगा। जब बर्तन धुलने खड़े हो तो छोटे छोटे चम्मच और स्पैचुलास, नाइफ, सीजर्स ये भी इतने सारे हो जाते हैं, प्यालियाँ वगैरह, जैसे मेरे हस्बैंड को तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, 3 टाइम खाते हैं, तो प्याली और चम्मच भी ना थोक के भाव में निकल आता है। तो यहाँ पे जो है ना जितने भी छोटे छोटे कटलरीज हैं ना वो सारा यहाँ पे मैं कटलरी बास्केट में डाल दूँगी, और ये सीज़र ये भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। प्लास्टिक का स्पून रेस्ट भी मैंने इसमें डाल दी हूँ, और ये करछुली देखिए इसके हैंडल पे एकदम जमी हुई सालन है और वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ, और साथ में ये चाय की छन्नी देखिए, हाथ से भी जो है ना चाय की छन्नी इतनी अच्छी साफ़ नहीं होती है जितनी अच्छी जो है ना डिश वॉशर में चमक जाती है, तो वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ। तो नीचे वाला जो बास्केट है ना वो फुल हो गई है। अब ऊपर वाला बास्केट देखते हैं, ये जो ऊपर एक रैक है ना ये फोल्डेबल रैक है, अगर लंबे चम्मच हैं तो इस पर आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले है ना ऊपर वाले रैक पे मैं छोटे छोटे बर्तन लगाऊंगी, तो हमारे यहाँ चाय जो है वो प्याली में पी जाती है, तो ये सारी कांच की और प्लास्टिक की जितनी भी बोल्स हैं ना वो सारे ही जो है मैं इसमें लगा दूंगी। इस वाले बास्केट में बेसिकली आप कम हाइट की चीज़ें ही डाल सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है। ये जो हमारा डिशवॉशर है इस घर में जब हम आए थे तभी ये हमें मिला था, हमने ख़रीदा नहीं है, तो इसलिए इसमें इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं हैं। अगर आप एडवांस फीचर का डिशवॉशर लेंगे तो उसमें हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप अपने बर्तन के हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम नए घर में जाएंगे ना तो अपने हिसाब से एकदम एडवांस फीचर का डिशवॉशर देख के लेंगे। अच्छा ये जो चाय का बर्तन है ना अगर एक बार आपने यूज़ किया है तो आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत पका के आपने 3-4 बार यूज़ किया है तब आपको इसको भिगाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला जो बर्तन है ये देखिए ये कितना ऑयली है, ऑयली बर्तन के लिए तो बेस्ट डिशवॉशर। और ये देखिए चावल का बर्तन राइस कुकर वाला, वो भी मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब जब मैं इसको बंद कर रही हूँ तो ये देखिए अटक रहा है ऊपर, यही प्रॉब्लम है इसमें कि हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब इसको रीशफल करके मैंने एडजस्ट करके फिर से लगाई हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाली हूँ राइस कुकर, और फिर ये देखिए चाय वाला बर्तन, कितनी ज़्यादा इसके अंदर देखिए चाय लगी हुई है, इतनी चाय जो है डिशवॉशर साफ़ कर देता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर सूखी रहेगी तो फिर डिशवॉशर में आपको भिगा के डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जगह मुझे खाली दिखी तो वहाँ पे मैंने जो गुजिया का स्टीमर है ना वो एडजस्ट कर दी हूँ, और एक छोटा सा पैन है सिरेमिक का वो डाल दी हूँ। सबसे लास्ट में इसमें ये टैप डालना है बिना इसकी प्लास्टिक खोले एज इट इज़। तो यहाँ पे हो गया है हमारा डिश वॉशर फुल्ली लोड, और इसको जो है ना मैं मीडियम सॉइल्ड यूटेंसिल का ऑप्शन सिलेक्ट करके ऑन कर दूँगी। अच्छा जी कुछ बर्तन हैं जो डिशवॉशर सेफ नहीं हैं, जैसे कि नॉनस्टिक, वुड, आयरन और एल्यूमिनियम, इन सबको हाथ से ही धोना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है डिशवॉशर यूज़ करने से और पानी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हाथ से पानी धोते हैं ना तो डबल वाटर लगता है, और अगर हम फुल्ली लोड करेंगे डिशवॉशर को तो जितना हाथ से धोने में पानी लगता है उसका हाफ वाटर डिशवॉशर में यूज़ होता है। जी हाँ सही सुना आपने, और आजकल के जो डिशवॉशर है ना वो इसी हिसाब से बनाए गए हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले डिशवॉशर हैं वो एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है ना 300 से 600 रुपया ही ऊपर आएगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब हमारे पास डिशवॉशर है ना तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मेड्स पे खास तौर पे। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जिन्हें हाउस हेल्प के हाथ का धुला हुआ बर्तन पसंद नहीं आता है,
ज़माना लग जाता है मेट्स के साथ एडजस्ट करने में, रोज़ की वही गिरगिर गिरगिर गिरगिर। इससे अच्छा कि हम एक अच्छे डिश वॉशर में इन्वेस्ट कर लें और मेट से कुछ दूसरी हेल्प ले लें। जब दावत होती है घर में तो पकाने में जो है ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब मेहमान जाते हैं तो जब पलट के हम किचन की तरफ देखते हैं तो बर्तन देख के चक्कर आ जाता है। जस्ट इमेजिन कि रात में आप सारा बर्तन डिश वॉशर में लगा देंगी, इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स, और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगी तो आपको एकदम स्पार्कलिंग सैनिटाइज क्लीन एकदम अच्छा साफ़ सुथरा बर्तन देखने के लिए मिलेगा धुला हुआ, तो कितनी खुशी होगी। So according to me, dishwasher versus hand washing, dishwasher is the best. If you can, you must invest in a good dishwasher. नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना हम यहाँ पे आ गए थे DPS प्राइवेट स्कूल, जहाँ से ज़ईम अपना 12th क्लियर करके निकला था। आज हमें स्कूल से बुलाया गया था ज़ईम की 12th ग्रेड की मार्कशीट लेने के लिए ओरिजिनल। इस मशीन में से हम लोगों ने अपना टोकन ले लिया है और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न के लिए। तो वो जिंगा खेल रहा है, जिंगा। वेट करो हारिस, जहीं तुम नहीं। जीत गया जहीं, जहीं जीत गया। तो गेम भी खेल के हो गया, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आया, बहुत टाइम लग रहा था, हमने सोचा कि जल्दी हो जाएगा। और अफ़ान और फलक जो है ना वो घर पे ही हैं, बस ज़ईम मैं आरिज़ और हस्बैंड आए थे। तो वेट करते करते ज़ईम यहाँ पे टहलने लगा, ज़ईम ने केजी भी यहीं से किया है। तो फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद हमें मिल गई अपनी मार्कशीट, और ये लेके अब हम जा रहे थे घर की तरफ। तो उससे पहले हस्बैंड ने कहा कि अब रास्ते से जो है ना वो खाना पैक करके ले चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो ये बन्नू बीफ नल्ली पुलाव से हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया। सो फाइनली हम आ गए हैं घर, और खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना ये डिश वॉशर की साइकिल कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा दूँ कि कैसे बर्तन धुल के निकलते हैं डिश वॉशर में। तो सारे बर्तन पहले मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये कितना ग्रीजी बर्तन था, और लग ही नहीं रहा है कहीं कि इसमें तेल लगा हुआ था। और ये चाय का बर्तन देखिए, मतलब इतनी जमी हुई चाय भी इसके अंदर एकदम चमकती हुई साफ़ सुथरी निकलती है। कुछ भी आपको भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि बहुत ज़्यादा आपने ये यूज़ किया हो। सो एकदम स्पार्कलिंग क्लीन है। और ये जो प्यालियाँ हैं कांच की, ये देखिए इसमें तो अक्सर मलाई वगैरह जो है ना वो जमी रहती है, तो वो भी एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। और बर्तन कितना चमक रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं। हाथ से बर्तन धोना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले हाथ से बर्तन धो, उसके बाद उसको सूखने के लिए टाइम दो, फिर उसके बाद जब सूख जाएगा तो फिर उसको पोछ के जो है वो रखो, तो उससे कम टाइम लगता है आपको डिशवॉशर लोड और अनलोड करने में। और ये कटलरी स्टैंड भी देख लेते हैं, चम्मच वगैरह तो मैं क्या ही बताऊं आपको, वो तो साफ़ ही हैं। ये छन्नी देख लीजिए जिसके अंदर मैं कचरा छानी थी, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, इसकी एक और ख़ास बात है, सारी स्मेल जो है ना वो भी गायब हो जाती है। और ये वाली करछुली देखिए जिसमें सालन वगैरह एकदम जमा हुआ था, तो वो भी देखिए अच्छे से एकदम साफ़ हो गया है। और ये चाय की छन्नी देखिए, बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर मैं आपको लगा रही हूँ ताकि आप देख लें कि कैसे पहला था और अब कैसा है। हाथ से रगड़ना पड़ता है, डिशवॉशर में अपने आप ही साफ़ हो गया, तो काफ़ी मेहनत जो है ना वो कम लगती है, डिशवॉशर की सफ़ाई बहुत अच्छी है। और ये देखिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी एकदम अच्छे से जो है वो चमक जाते हैं। और जो राइस कुकर का ढक्कन था देखिए, उस पर पहले चावल का कितना सूखा हुआ पानी लगा था, वो भी साफ़ हो गया है। भजिया तलने वाली करछुली देखिए, लगता ही नहीं है कि कभी ये तेल में डूबी हुई थी। तो इस तरह ही सारे बर्तन हैं। आई होप कि आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, डिशवॉशर से रिलेटेड जानकारी मिली गई होगी। अब हो गया यहाँ पे शाम का टाइम, और आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को शाम में कुछ खाने का मन करता है। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फटाफट से जो रेड वेलवेट कपकेक बनता है ना, वो भी एगलेस। तो उसके लिए मैंने ले ली हूँ 1.5 कप मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर और 2 टेबलस्पून लेवल्ड कोको पाउडर, तो ये स्वीटेंड कोको पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसमें मैंने डाली हूँ 3/4 कप शुगर,
और उसके बाद हम इसको सीव कर लेंगे एक स्ट्रेनर के थ्रू। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप जो आटा छानने वाली छन्नी है उसे भी छान सकते हैं। बेसिकली इसका लम्स निकालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कप जो है रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ली हूँ, 1/3 कप ऑयल, 1 teaspoon वेनिला एसेंस और 1 teaspoon जो है मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ रेड कलर का, क्योंकि ये रेड वेलवेट कपकेक है। और 2 teaspoon जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, तो जो वाइट विनेगर होता है ना वही मैंने डाली हूँ। अब बस इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने छान के रखे थे ना वो सारा हम लोग इसके अंदर डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे डालना है। और ये इतना इजी केक है ना, जैसे बच्चे अक्सर खड़े हो जाते हैं ना अम्मा केक बनाइए, तो ये इतना इजी केक है, फटाक से बन के जो है वो रेडी हो जाता है। और इसमें जो सामान लगता है वो भी हमेशा घर में अवेलेबल ही होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ओवर मिक्स नहीं करना है, ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि ये कप केक है तो इसलिए मैं इसको सिलिकन मोल्ड्स में जो है ना वो डाल रही हूँ। और ये सिलिकन मोल्ड्स का लिंक जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। ये बहुत यूज़फुल होता है और सिर्फ केक्स के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बन सकती हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, पुडिंग वगैरह मैंने बनाई थी। तो ओवन को जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी थी, तो कन्वेक्शनल ओवन जो है ना उसी में मैं ये बनाने वाली हूँ। तो बस इसको मैं 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए सेट कर दी हूँ। और वैसे ये टाइम वेरी करता है कि आपका जो है वो ओवन का टेम्परेचर कितना है उस हिसाब से। तो 20 मिनट्स बाद जो है ना वो हम देखेंगे इसको। इतनी देर में जो है ना आरिस और जैन ये दोनों लोग आ गए हैं, गए थे स्विमिंग पूल, क्योंकि आरिस है ना वो आजकल घर ही में है तो बहुत परेशान करता है। तो मैंने जैन से बोलती तुम थोड़ा स्विमिंग पूल ले जाओ, और आरिस से मैंने बोली थी कि स्विमिंग पूल से आओगे तो तुम्हारा केक हम रेडी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट्स के बाद जो है ना केक को ठंडा होने देना है, और उसके बाद एक टूथपिक लेके हम सबसे पहले चेक करेंगे, अगर ये क्लीन निकलता है इसका मतलब कि हो गया है। सिलिकन मोल्ड्स में कपकेक बनाने का फ़ायदा ये है कि एकदम आसानी से निकल जाता है, कुछ भी टूटेगा नहीं। अगर आपके पास ये सिलिकन मोल्ड्स नहीं है ना तो केक लाइनर भी आप ले सकते हैं। अभी अफ़ान आया और कह रहा था कि उसका फ्रेंड है अज़ीज़, मैं अभी आप लोगों को मिलाऊंगी उससे, वो जा रहा है, तो उसके लिए जो है आप थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी भी कपकेक के साथ बना दिए। तो मैंने एक फ्रॉथ वाली कोल्ड कॉफ़ी भी बना दी हूँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रीट हम लोगों की रेडी है। ये है अफ़ान का बेस्ट फ्रेंड और ये सोमालिया से है, और आज इसका दुबई में लास्ट डे है, ये दुबई छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए सोमालिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा बच्चा था, हम लोग इसको बहुत मिस करेंगे। और कपकेक इट इज़ अ मस्ट ट्राई रेसिपी, इतना सॉफ्ट और इतना मॉइस्ट बना था। मैं हमेशा एकदम सुपर इजी और सिंपल केक बनाती हूँ ताकि जब बच्चों की डिमांड आए तो मैं उनको इजी केक बना के दे सकूँ। सो अजीज, व्हेन आर यू मूविंग? टुडे इज माय लास्ट डे हियर, नेक्स्ट वीक आई एम गोना लीव। टुमारो आई एम गोइंग टू अ होटल। ओके, सो आई कांट कम बैक टू द कंपाउंड, बट नेक्स्ट वीक आई एम गोना लीव द कंट्री। Oh, we will miss you. Thank you so much. Very tasty. Thank you. और यहाँ हो रही है अब रात के खाने की तैयारी। तो आज रात के खाने में बनने वाली है कढ़ी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू व्लॉग में विद अ सरप्राइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।